नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सिविल लाइन थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोर गिरोह के तमाम अपराधियों को पकड़ा गया है, उनके पास से तमाम बाइक और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चोर गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बाइक, मोबाइल सहित सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की है। गिरोह में 4 नाबालिग लड़के भी शामिल है। नशे की लत में जकड़े नाबालिगों को जब नशा नहीं मिला तो उन्हें सरगना ने चोरी करने की आदत लगा दी। आरोपियों ने पूछताछ में महोबा में भी चोरी करने की बात स्वीकारी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी विनायक शुक्ला ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई बाइक चोरी, मोबाइल चोरी और सोने घरों की चोरियों से जुड़े आरोपियों को दबोचने के लिए उप निरीक्षक ब्रजेंद्र कुमार चाचौदिया सहित अन्य पुलिस बल को जिम्मेदारी दी गई थी। मुखबिरों की सूचना पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिससे 1 दर्जन से भी अधिक चोरियों के खुलासे में मदद मिली है। चोर गिरोह के सरगना संजू बाबा उर्फ संजू कुशवाहा निवासी देरी रोड को दबोचने के अलावा आशीष उर्फ आशु शर्मा डोंगरपुरा, अमित विश्वकर्मा हनुमान बाग बड़ा मलहरा, राकेश यादव देवरान, ऋषभ उर्फ दतला उर्फ आकाश द्विवेदी संध्या बिहार कॉलोनी, शिवत उर्फ बिट्टू भट्ट श्रीराम कॉलोनी सतई रोड, नितेंद्र सिंह परमार कर्री, भूरे राजा उर्फ प्रशांत कुशवाहा महाराजा कॉलेज के सामने सही 4 नाबालिगों को पकड़ा गया। पहले तो जाते थे गाड़ी से मोबाइल छुड़ाते थे, फिर गाड़ी चोरी करते थे, फिर गाड़ी चोरी करने के बाद घर में जाते थे ताला तोड़ने के लिए। ताला तोड़ने के बाद फिर घर का सामान वामान उठा के ले आते थे। ये हम कर रहे अभी 15-20 दिन से। गैंग में आते 5 लोग से सब लोग पकड़ गए। सागर रोड में और सटई रोड में मोबाइल छुड़ाने की, गाड़ी चोरी की और घरों में चोरी की सूचना मिल रही थी। इसमें एक टीम बनाई गई उपनिरीक्षक चाचौदिया के नेतृत्व में, उनके द्वारा ये पकड़ा गया है। मुखबिर से सूचना के आधार पर इनसे बहुत चोरी बरामद हुई है, 7-8, 10-12 चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी भी हैं, मोबाइल की भी हैं, घरों में घुस के चोरी भी हैं, टीवी, सोना चांदी, नकदी।